आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मुरादाबाद के बीच में स्थित जिगर पार्क दलसहित में एक कैंडल लाइटिंग कर वक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पर विचार रखते हुए कहा कि अगर आज सभी नागरिकों को मानवाधिकार के जानकारी होती तो उनके साथ नाइंसाफी, अत्याचार, मानवाधिकार का हनन नहीं होता। इस मौके पर हम मानवाधिकार संरक्षण के लिए यह प्रण लेते हैं कि हम सब मानव आपसी भाईचारे से रहकर हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। धर्मवाद, जाति वर्गवाद की भावना से ऊपर उठकर हर्षोल्लास से दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इस अवसर पर जुबैर अली, अलीजुल हसन, फिरोज खां, साकिर हुसैन, शुभम कश्यप, मोहम्मद मुख्तार आदि लोग उपस्थित रहे। क्या आपका नाम? मोहम्मद तंजील। जी, आज आपने क्या कार्यक्रम किया है? आज विश्व मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक कैंडल जलाकर ये मैसेज दिया है समाज के अंदर। समाज में जो लोग हैं वो आपसे प्रेम भाव से रहें, मोहब्बत से रहें, खुलूस के रस से रहें, और हमारी सरकारों को चाहिए वो जनता के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को दें ताकि मानव अधिकारों का हनन नहीं हो। वर्तमान में देखा जा रहा है मानव अधिकारों का, चाहे वो पुलिस क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हो या राज्यों के स्तर पर हो, तो काफ़ी हनन हो रहा है। तो UNO ने अपना चार्टर दिया है और हमारे भारत सरकार ने जो चार्टर बनाया है मानव अधिकार के लिए, उस मानव अधिकार का निष्पक्षता से पालन होना चाहिए। इस संबंध में हमने कंप्लेंट भी जारी किया है, उस कंप्लेंट में पूरी हमने जानकारी दी है इंसान के पूरे विश्व के अंदर क्या मानव अधिकार है। आप सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमसे ये मांगे, जो 1993 के अंदर मानव अधिकार आयोग बना है, केंद्र सरकार को ये चाहिए ईमानदारी से काम उस पर होना चाहिए। धर्मवाद और जातिवाद से ऊपर अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, सिख के साथ हो, बौद्ध के साथ हो, जैन के साथ हो, वो जो हनन है एक मानव का हनन है, वो न किसी एक धर्म का है न एक किसी जाति का है। सरकार को निष्पक्ष तरीके से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मानव अधिकार संरक्षण रहे। जब मानव में प्रेम रहेगा तो देश भी खुशहाल रहेगा, विश्व भी खुशहाल रहेगा, सब लोग खुशहाल रहेंगे। इसीलिए सरकार को धर्मवाद, जातिवाद, वर्गवाद से ऊपर उठकर मानव अधिकार हितों के लिए एक न्याय प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए। जो न्याय प्रणाली है उसमें सुधार होना चाहिए, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त और पक्षपात मुक्त एक समाज की स्थापना के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण होना जरूरी है। पब्लिक TV, आपकी आवाज़।